बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरब से लाइव हूँ आपके साथ। मैं आपको दे दूंगा आज की एक अपडेट। बादल खूब है, बारिश भी हल्की फुल्की शुरू हो चुकी है और बादल भी गरज रहे हैं। तो आप भाई को शायद बादलों के गर्जने का कुछ साउंड भी सुनाई देता रहे इस वीडियो में। बहरहाल बात कर लेते हैं न्यूज़ के ऊपर। हम गैर मुल्की परदेसी भाइयों के लिए काफ़ी कारामद न्यूज़ है, लेकिन ये एक सऊदी को चूना लग चुका है। लेकिन आप भाइयों को मैं यहाँ पर इस वीडियो के आखिर में एक लाइव सबूत भी दिखाऊंगा, जो कि मुझको खुद से कॉल आई थी एक बंदे की। बहरहाल पहले आपको पता है ऐसे कॉलें आती थी मोबाइल के ऊपर, आपका इतने लाख रुपया का नाम लग गया, फिर ईमो के ऊपर आने लग गई। उन लोगों ने राजीव बैंक वगैरह या और किसी बैंक वगैरह की पिक्चर लगाई होती थी, हम इस बैंक से बात कर रहे हैं, आप अपना कार्ड अपडेट करवाना चाहते हैं कि नहीं करवाना चाहते हैं, आप अपना कार्ड बंद करवाना चाहते हैं। बहरहाल इसके मुताबिक कम्प्लीटली वीडियो है, वो आपके मैं आपको दिखा दूंगा। और अभी की जो लेटेस्ट फ्रॉड का तरीका चलाया जा चुका है वो ये है भाई कि आपको इस सऊदी से 5 लाख रियाल वो इसी तरीके से ले उड़े हैं जी। तो सऊदी ने जैसे उनको अपनी इंफॉर्मेशन दी है, उसी टाइम उसके अकाउंट्स में 5 लाख रियाल था, वो उन लोगों ने निकाल लिया है। तो ये सोशल मीडिया के ऊपर बाकायदा न्यूज़ भी है, कोई फेक न्यूज़ नहीं है। अभी जो लेटेस्ट फ्रॉड का तरीका चला है वो भाई ये है कि आपके सिम के ऊपर या आप मैसेज आएगा या आपको कॉल आएगी कि आपको नौकरी चाहिए, आप किसी जॉब के जॉब ढूंढ रहे हैं तो हमसे रब्ता करें। आप उनसे रब्ता करते हैं कि भाई जी मुझे नौकरी चाहिए, मुझे जॉब चाहिए, तो वो बोलते हैं आपका इकामा है नहीं है, आपके नाम के ऊपर सिमें कितनी हैं, ये है वो है, आप पहले काम कहाँ कर चुके हैं, किस चीज़ में माशाल्लाह बादल गरज रहे हैं जी, किस चीज़ में आप माहर हैं, कौन सा काम जानते हैं। उसके बाद आपको बोलेंगे जी हम आपका इंटरव्यू लेना चाहते हैं, आप फलां जगह पहुंच जाएं, वहां पर एक दो बंदे भी बिठाए होंगे, आपसे बातचीत भी करेंगे, आपसे मुकम्मल इन्फॉर्मेशन ले लेंगे, आपके आपकी सैलरी सूरी बता देंगे, आपको इतनी सैलरी हम दे सकते हैं, ये है वो है, आप ऐसा करें वैसा करें, आप अपना ऐसा करें कि हाँ ATM दें, उसमें हम आपकी सैलरी ट्रांसफ़र कर दिया करेंगे। तो ऐसे बातों को पूरी बंदे को ना घेर के बातें पूरी उसको सुनाकर उसका ATM वगैरह जो भी उसके पास इंफॉर्मेशन होती है वो ले लेते हैं, उसके बाद उसके ATM से सफाई कर दी जाती है जी। तो सऊदी इस सऊदी को भी ऐसे ही किसी फ्रॉड से लूटा गया है, यानी कि बादलों के गर्ज भी देख ले भाई, 5 लाख रियाल यानी कि। तो अभी मैं आपको वो वीडियो दिखा देता हूँ जिसमें यानी कि जो हमने लाइव रिकॉर्ड की थी। हेलो, सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। सर अभी बताएं क्या करना है, कार्ड मैंने पकड़ लिया हाथ में, कौन सा नंबर आपको लिखाना है? ठीक है, ठीक है, आगे 50 आगे 91 ठीक है, इस पर क्या करूं? सर इस नंबर पर क्या करना है? हेलो जी। अरे सर आपको इस नंबर पे कुछ नहीं करना है, ये जो आपका ATM कार्ड है ना सर। जी हेलो जी सर जी, ये बंद हो जाएगा अगर आप इसे अपडेट नहीं करवाएंगे तो। ठीक है सर, अभी हमें अपडेटिंग नंबर देखे सर आप। ठीक है, अभी अपडेटिंग नंबर मसलन कार्ड मेरे पास है, मैं आपको अपडेटिंग नंबर कैसे देखूं? सुपरवाइजर से बात करें। हेलो जी सर, आप अपने ATM कार्ड को वेरीफाई नहीं करवा रहे हैं, अपडेट नहीं करवा रहे हैं, क्या मसला है? इसको चालू रखना चाह रहे हैं, ब्लॉक करवाना चाह रहे हैं आप? तो सर चालू रखना चाहते हैं। सर चालू रखना चाह रहे हैं तो मैं आपको अपडेटिंग नंबर बता रहा हूँ, ATM कार्ड को हाथ में पकड़े ATM कार्ड के ऊपर ये नंबर चेक करें, आपका अपडेटिंग नंबर है सर। ATM कार्ड आपके पास ये ना नंबर चेक करें आप। जी मेरे पास है, बताएं। 5 5 0 5 0 9 1 9 1। हाँ ठीक है सर, लिखा हुआ ये बिल्कुल सर, ये आपका अपडेटिंग नंबर है 5 8 5 0 9 1 9 1 के बाद बोलिएगा। आप अपनी वॉइस में रिकॉर्डिंग करवाइएगा सर, 91 के बाद बोलिएगा। ठीक है एक मिनट मैं आपको बताता हूँ, बोलिएगा सर 91 के बाद बोलिएगा। 91 के सर आगे है अड्डी मड्डी।